वन्दे गुरुपदद्वन्द्वं भक्तबिन्दसमन्नितं Nanda वन्दे नितानन्दसहोदितं श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणोदयं गोपीजनसमयुक्तं बिन्दवनं मनोहरम् वाशाकुवश्यु व्यवच पति पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नम मूक पंगु लिरी यतमह वंदे परमाधव बृंदावई तुलसीदे वै पिया वै केशवश कृष्णभक्तिपदेवि सत्त्ववत्त्वयी नमो नमः नारायण ना नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदिरे संकीर्तने कृष्णकथोपदेश गौरीयपत्रशप्रकाशने च सदानुरक्तगुरुभोक्तियुक्तो भक्तिप्रमोदाक्ष जगो वरुन् धैर्यं सदा परिभवग्नमविष्टदोहं तेतास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यं भीतात्विहं पुणतपाल् भवद्दिभूतं वन्दे महापुरुष ते महा चरणार्विन्दं বিসুজিত কিমি কবোধুষ্দর্শ পূর্ণাগর সারমূর্তি সারাধিকা কৃপা শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্তনন্দ সিয়তাধর শিব সদি শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্তনন্দ सियादत गदाधर शिव सदी गौरभक्तबिंद हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम राम राम, राम, राम हरे हरे अजानुलबित भुजौ कनका बुधात संकर्तन कमलायताक्ष विश्वरु द्वीजरु जुगधर्म पालौ वंदे जगत्प्रियकुणतारू हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम राम Hare हरे हरे Hare Hare, Hare. नमामि गङ्गे तव पादपङ्कजं सुरासुरैर्बन्दितो दिव्यरूपं भुक्तिञ्च मुक्तिं च ददासि भवान् रूपेण सदा नरानं जटा कलापं गौरी निरन्तरविभूषी त्वमभागं नारायणो प्रियमनङ्गमदापहारं वरान्सिपुरपति भज विश्वनाथम् गीषुस्वदने लक्ष्मीजशस्ते हृदय संबी मह भजे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे হরে রাম হরে রাম 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 হরে হরে গৌরাঙ্গ গতির ভজাসিতমতি শ্রী গৌরাধাম স্থিতি সস কু বিরতি ব্যথা নিষ্কৃতি करती सनातन नति श्री सिद्धांत सरस्वती विजयते गौरी गोष्ठीपति श्री सिद्धांत सरस्वती विजयते गौरीय गोष्ठीपति गौरांगेक गतिश्रित मतीगौरधाम स्थिति सास्वय कविर्कुसंग विरती व्यथा निष्कृति श्री रूप करती सनातनति जो स्तुति श्री सिद्धांत सरस्वती विजयते, गौरी गोष्ठीपति गौरी गोष्ठीपति भक्ति से से सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी जगत पहपा জগৎগগুরুজি বনুগতহীন ব্যক্তি পশু সদৃশ গৌর গোষ্ঠী পতি শ্রী শিলোভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতি গোস্বামী ঠাকুর পহা জগৎগুরুজী বত অনুগত্যহীন ব্যক্তি পশু সদৃশ পশু সেভি আধম হ গৌর গোষ্ঠীপতি শ্রী শিলভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতি গোস্বামী ঠাকুর পহা जगत गुरु जी ने बताएं ये जड़ जगत का जितना सारे आदमी हैं तमाम जगत परम सत्व वस्तु से धीरे धीरे बहुत दूर भागे चले जा रहे हैं गौरी गोष्ठी बोती शिला जी ने बताएं ये जगतवासी परम सत्य वस्तु से धीरे धीरे बहुत दूर चले जा रहे हैं बहुत दूर भागे चले जा रहे ये लोग इतना दूर भागे चले जा रहे हैं ट्रूथ है परम सत्य वस्तु से कि ये लोगों का सामने अगर अपराकित जगत का अपराकित जगत का अपराकित तो सत्य वस्तु बोलने जाओ तो ये लोग भयभीत हो जाता है ये लोगों को ये सुनने का आदत नहीं है ये लोगों को परम वस्तु एप्सल्यूट ट्रूथ का बारे में सुनने का कोई आदत नहीं है इसलिए ये लोग सुनना नहीं चाहते ये लोगों का जीवन जिंदगी का फॉर्मूला है खाओ पियो जियो ये फॉर्मूला लेके ये लोग चल रहा है जिंदगी गुजार रहा है काल भी चर्चा किया था श्री चैतन्य का काय मनोवाक्य कार्य उद्वेग न दिवे ये जो चैतन्य चैतामितों का श्लोक है प्रपात कह रहे हैं इसका नाजायज फायदा लेकर आप परम सत्व वस्तु का चर्चा क्यों बंद कर दिया अब्सुलूट ट्रूथ का चर्चा परम सत्य वस्तु का चर्चा बंद नहीं होनी चाहिए ये जीव हिंसा है पापा जी ने बताए हैं अगर परम सत्तु का परम सत्य वस्तु का बारे में आम आदमी को ना बताएं जो रास्ता में ये चल रहा है उल्टा रास्ता में चलने दो हमारा क्या आता है? ऐसा अगर विचार करें और किसी को भक्ति मार्ग छोड़कर कर्म मार्ग ज्ञान मार्ग यादा थोड़ा उसको उसका जिंदगी को मोड़ देना कर्म ज्ञान मार्ग में ये हिंसा है अपराधिक जगत का बारे में इसको अगर बना बताना बंद कर दो ये उल्टा रास्ता में चल रहा है चलने दो ये जीव हिंसा है ये जड़ जगत में है जीव हिंसा का जो कंसेप्शन है धारणा है वो क्या न जीवों का शरीर का ऊपर फिजिकल एसाल्ट मैंने पहले ही बोला ये तो दुनिया को कुछ बोलो मत जो जितना बड़ा साधु है वो उतना बड़ा जो जितना बड़ा साधु है ये लोगों का विचार ऐसा है गंदा विचार है जो जितना बड़ा साधु है वो खामोश रहता है ये लोगों का विचार उल्टा है ये लोग बोलता है जो जितना खामोश रहेगा वो साधु सबसे बड़ा है लेकिन ये लोग का कोई धारणा नहीं है जड़ जगत में साधु का आना साधु का आने का क्या मकसद है साधु क्यों आ रहा है जगत में भगवान क्यों भेज देता है क्या कारण है तमाम जगत को राह दिखाने के लिए रास्ता ये अगर ना दिखाए अगर अपना मंगल कुशल का बारे में सोचने के जंगल में चले जाए ये प्रहलाद महाराज जी ने बताया नृसिह देव को प्रभु हम इतना स्वार्थी नहीं है सिर्फ अपना मंगल को ढूंढने के लिए जंगल में चले जाए मरने दे चूल्हे में जाए जगत चूल्हे में जाए हम क्या करें मरने दो हम अपना मंगल करें प्राये न देव मुनयो सभी मुक्ति कामा मौनम चरंति बीजने पर नईता नुबिहा मुको नदस्य शरण भ्रम तो नुपे प्रहलाद महाराज जी ने कहा प्रभु ज्यादातर देखा जाता है अपना मंगल के लिए लोग भागते हैं हमारा गोरिया मठ का विचार पा जी ने दिखाया कितना सुंदर अनोखा विचार एक शांत महात्मा अगर खामोश रहे कुछ मात बोले जो कुछ भी हो रहा है तो ये क्या साधु का दया है करुणा है क्या क्या है ये जी ने कहते हैं ज्यादातर ये जगत का जो जितना सारे जगत का आदमी है, ये लोगों का मिसकॉन्सेप्शन है ये लोग कहते हैं कि जीवों का ऊपर फिजिकल एसाल्ट करो ये हिंसा है किसी को मारो काटो ग्रॉस बॉडी ये जो भौतिक शरीर और मेंटल एसाल्ट भी हो सकता मेंटल टेंशन दो किसी को मैक्सिमम इसी को जीव हंसा मानते हैं जगत का आदमी जगत का आदमी का विचार ऐसा है पौपत कहते हैं जीव कौन है क्या यह शरीर जीव है क्या ये हमारा पांचभौतिक शरीर जो है ये जीव है क्या ये तो ग्रॉस बॉडी है इसका अंदर में एक सटल बॉडी है फाइन बॉडी मन बुद्धि, चित्त अहंकार लेकर सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर और इसका अंदर में गंभीर, रहस्यमय वो जो जीवात्मा रहता है जो जी जो जीवात्मा अपना कर्म फल का अनुसार तरह तरह का जन्म लेता है इस अवस्था में जीव हिंसा जो शब्द है कहाँ किस तरीका से एप्लीकेबल है दैट इज मेन क्वेश्चन जीव हिंसा बारे में सोचो तो प्रपात कह रहे हैं जे जी ये जीव को अर्थात जीवात्मा जो अंदर में है ये जीवात्मा का बारे में आपने गीता में बहुत बार सुने होंगे नैनम छिन्दंती शस्त्राणी नैनम दहति पावक न चैनम इनम क्ले दे क्ले न शोषेत गीता में सुने होंगे आप कहने का मतलब है जब गीता में साक्षात भगवान कह रहे हैं कि जीवात्मा को काटा नहीं जाए जीवात्मा को जलाया नहीं जाए जीवात्मा को किसी भी हालत से कुछ नहीं किया जाए ये नित्य है नित्य शाश्वत्यम नन्न माने शरीर तो क्या भगवान का विचार सुने कि जगत का विचार सुने किसका विचार सुने भगवान कहे यह शरीर को मारने से भी आत्मा का विनाश नहीं होते नित्यो शाश्वतवयम न हन्न माने शरीर आगे चलकर भगवान ने बताया ये जो शरीर है इसको तो छोड़ना है ही है काल बताया था देर इज नो सल्यूशन विद दिस वर्ड डेथ मौत का साथ कोई सल्यूशन नहीं है एक सोल्यूशन है भजन करो इसको छोड़कर कोई सोल्यूशन है नहीं आज तक निकाला नहीं अगर कोई बद्दो अगर अगर कोई बद्दो आदमी को पता है आपको पता है आप मरोगे अल्लाह महाराज हमको पता है बट दिस इज नॉट डायरेक्ट फीलिंग आप जानते हो हमको मरना पड़ेगा बट दैट इज नॉट योर रियलाइजेशन आप जानते हो आप जानते हो कि आप मरोगे बट इज बट दैट इज नॉट योर डायरेक्ट रियलाइजेशन आप मरोगे इस बात जब आपका जिंदगी में अनुभव होगी प्रैक्टिकली जिस दिन आप समझोगे अंतर से हमको चले जाना है जगत से जिस दिन आप समझोगे उस दिन सारे ऊधमबाजी सब बंद जितना सारे ऊधमबाजी है बदमाशी चालाकी है सब बंद हो जाएगा सो इट इज नॉट योर डायरेक्ट रियलाइजेशन अनुभव का साथ ज्ञान नहीं है ये हल्का ज्ञान है ये ज्ञान नहीं है ज्ञान और विज्ञान दोनों में फर्क है गीता में आगे चलकर भगवान कहे बासांश जीर्णानी यथा विहायो नवानी गृणना नरो अपराणी सुने होंगे ना भगवान कह रहे हैं जैसे कपड़ा खराब होने से एक कपड़ा को फेंक दो और नया कपड़ा को लाओ पहनो बस ऐसे ही है जीवात्मा अपना कर्म फल के अनुसार एक एक करके शरीर पकड़ते हैं चैत नौ में तो बताएं कोहू राजा कोहू पूजा कभी राजा हो जाए कभी पुर्जा हो जाए कोई भिखारी हो जाए कोई पशु हो जाए कोई पक्षी पंछी हो जाए ऐसे चलते रहते अब अनुभव उनु, में नहीं उतार रहा है अनुभव में नहीं उतार रहा है पोपा जी ने बताया ठीक है शास्त्रों का विचार का अनुसार देखा जाए तो जीप को मिसगाइड करना जिसको जीप एक जीवात्मा को एब्सिल्यूट ट्रूथ के बारे में जानकारी नहीं देना टू तो मिसगाइड ए जीवात्मा भक्ति छोड़कर कर कर्म ज्ञान मार्ग तरह तरह का विचार बताओ जीवा जीवात्मा को भड़का दिया और जीवात्मा चले ये अनंत काल का आप रिक्स लेना चाहते हो यू आर गोइंग टू रन ए रिक्स ऑफ इंफिनिटी प्रियोड मजे मजे में जिंदगी गंवा रहे हैं हम लोग लाइफ इज गोइंग एंड वी आर प्लेइंग हमारा फॉर्मूला है पोपाजी का ये अनोखा विचार है जो जीव हिंसा का बारे में पोपाजी ने बताए कैसे एक जीवात्मा को एक विष्वय से धीरे धीरे लेकर दिखकर भगवान का ओर ले जाना भगवान का चरण कमल में समर्पित करना ओह कितना डिफिकल्ट है कितना कष्ट है ये कहने लायक विषय नहीं है इम्पॉसिबल ये वर्ड भी इसका बाद भी अगर कोई वर्ड है डिक्शनरी में नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल तो ये एप्लीकेबल है असंभव वो बात कह रहे हैं वो बात कह रहे हैं एक जीव को वो बात कह रहे हैं एक जीव को धीरे धीरे कर्म मार्ग ज्ञान मार्ग प्रवृत्ति मार्ग से छुटकारा दिलाकर वो कह रहे हैं एक बद्ध जीव को माया का जो बंधन है ये जगत माया का बंधन है ये देवी धाम है तमाम जीव कैद है इसमें तमाम जीव जो है एक कैदी है वो बात कह रहे हैं ये तमाम बद्ध जीवों को महामाया का ये जेल खाने से निकाल कर उसको धीरे धीरे गाइड करके भगवत चरण कमल में ले जाने का ये जो व्यवस्था गुरु वैष्णव करते हैं वो बात कहते हैं ये कितना बड़ा विषय है बदल जीव समझते नहीं है उल्टा गुरु वैष्णव को गाली देता है काल भी चर्चा किया था क्यों इस जगत में हरिकाथा का स्कार सिटी वी वॉन्ट टू ब्रिंग ए फ्लाड ऑफ हरिकाथा इन दिस मेटेरियल वर्ल्ड दैट इज अवर रिजोल्यूशन पोपाजी के चरण में हम लोग का ये रिजोल्यूशन है प्रतिज्ञा है मरते दम तक इस जगत में हरिकथा का फ्लाउड फ्लाड लाओ मरते दम तक ये प्रतिज्ञा है और कुछ नहीं चाहिए पोपात कहते हैं जगत में कथा इतना सुदुर्लभ क्यों है काल भी चर्चा किया था शायद शायद आपको याद है क्यों इतना कथा इतना स्कार है क्या कारण है बोले कारण महाराज एक है शुद्ध गुरु वैष्णव को अपमान करो शुद्ध गुरु वैष्णव को मठ से भगा दो शुद्ध गुरु वैष्णव को भगा दो वहां सारे बॉन्डेड सो दे आर गोइंग टू मेक ए कॉन्टैक्ट टू लीड देयर लाइफ पीसफुली बोलो वो बात कह रहे हैं आजकल का सोसाइटी फॉर्मेशन जो मठ मंदिर का है वो का तमाम बद्धजीवियों को भर्ती कर दिया हॉस्पिटल में वो कहते हैं गौड़िया मठ हॉस्पिटल है तमाम बद्धजीवों का ट्रीटमेंट चल रहा है और वहां कोई डॉक्टर अगर नहीं है हॉस्पिटल खोल दो तमाम हॉस्पिटल खोलो और कोई डॉक्टर नहीं है तो मरीज का क्या हो सकता वोपत कह रहे हैं तमाम बद्दजीवों को भर्ती कर लो अमट में ऐसे ही चलो वो बात कह रहे हैं जैसे हम लोग एक कांटेक्ट किया है एक साथ हम लोग रहेंगे एक साथ हम लोग रहेंगे अपना अपना सेल्फ इंटरेस्ट को निभाते रहेंगे और एक साथ खाना पीना बनेगा और ठाकुर जी है ये तो मेरा सेवक है ठाकुर जी जो है मंदिर में ये तो मेरा सेवक मैं क्या उसका सेवक हूँ ठाकुर जी का झूठा कहेगा मैं ठाकुर जी का सेवक हूं गुरु वैष्णव का सेवक हूं क्या साबित कर सकता कैन यू प्रूव झूठा बोल रहे हो प्रमाण करो गुरु वैष्णव भगवान का आप सेवक हो आपका सेवा में लगा दिया आपका सेवा में लगा दिया गुरु वैष्णव भगवान को यही विचार है बोपा जी ने कहा माया देवी का जेल खाने से 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 एक बद्ध जीव को निकाल कर भगवत चरण कमल में पहुंचा देने का ये जो इरादा है गुरु वैष्णव का ये कितना बड़ा चीज़ है ये बद्ध जीव समझ नहीं सके करोड़ों करोड़ों हॉस्पिटल करने का करोड़ों करोड़ों विद्यापीठ मेटेरियल विद्यापीठ खुलने का ये जो व्यवस्था है इससे भी कई गुना करोड़ों गुना करोड़ों गुना ज्यादा फायदा दायक है एटलीस्ट एक जीव का परमानेंट सोल्यूशन निकाला ये सोचने का बाहर है आदमी सोचते नहीं ये सब विषय में हर वक्त हिंसा विद्वेश चल रहा है चारों गुरु वैष्णव को भगा दो इनके कथा बंद कर दो एजिटेशन शुरू करो आंदोलन भक्त मिनट ठग और कह रहे हैं एक सोसाइटी चलाने के लिए मठ मंदिर स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन चलाने के लिए बहुत सारे भक्तों का जरूरी है ये मैं मानता हूं एक एक सेवा करके आगे बढ़ेगा भक्तियों कह रहे हैं हैरान की बात है तमाम काम क्रोध लोभ मोह मास्टर, से, मास्टर जो से एकदम भरपूर जितना सारे जीव ये जीव को लाके मठ में भर्ती कर दो भक्ति कह रहे हैं ये सब जीवों के द्वारा मठ मंदिर चलाने का जो व्यवस्था आप कर रहे हो सोसाइटी इसमें कोई आदर्श शिक्षा एप्रोप्रिएट आइडियलिज्म कैन नॉट बी एस्टैब्लिश इन द मेटरियल सोसाइटी ये जगत में ये सब जीव काम क्रोध में एकदम भरपूर है लड़ाई चल रहा है पॉलिटिक्स चल रहा है गुरु जी कहते थे ये लोग क्या मठ में है कि कोमोट में है गुरु जी कहते थे क्या ये लोग क्या मठ में है कि कोमोट में है कोमोट टट्टी का जो जगह है कोमोट है क्या मठ में है मठवास कैसे होता है बक्तम ठे बोले ऐसा जीवो के द्वारा जो एकदम घृणित व्यवहार आम आदमी का सामने आता है ये समाज का आदमी इस पर थुक्कार देता है थुक्कार दे के चले जाता है महाराज किस लिए महाराज किस लिए आजकल साधु गुरु वैष्णवों का ऊपर भरोसा धीरे धीरे उपते रहा है उपते जा रहा है महाराज किस लिए साधु गुरु वैष्णव को समाज का आदमी आजकल विश्वास नहीं कर सकते किस लिए एक कारण है इसीलिए विश्वास नहीं करते पोपा जी का जिंदगी में कभी भी किसी का साथ महाराज सहोजिया का साथ और तमाम जो अभक्ति विनोद धारा है पौपा जी ने कहे पापा जी ने कहे जे भक्ति बिनो धारा को पौपा जी ने कई बार कह दी भक्ति बिनो धारा को हमारा भजन जिंदगी में हर वक़्त भक्ति बिनो धारा का जो स्ट्रीम है फ्लो है इसको संजीवित रखना है पापा जी ने कहे भक्ति विनोद धारा को हमारा डेली लाइफ में भजन जिंदगी में हर वक्त हमको संजीवित रखना है भक्ति विनोद धारा को हर वक़्त हमारा भजन जिंदगी में हर वक्त एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड क्या उल्टा ना हो जाए भक्ति विनोद धारा को हमारा यह भजन जीवन जिंदगी में इसको संजीवित रखना है बहुत आम आदमी को प्रार्थना किए अगर आप भक्ति विनोद धारा क्या है ये अगर आप समझने का कोशिश करो तो अगर आप भक्ति विनोद धारा क्या है व्हाट इज द स्पेशलिटी ऑफ भक्ति विनोद धारा अगर सिंसियरली अंतर से अनुभव करने का कोशिश करो तो आपको भजन का नाम पे कोई चीटर ऑर्गेनाइजेशन में कोई चीटर प्रीचर इसका इसका जो टीम है इसमें आपका नाम को रजिस्ट्री करने का कोई जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप समझोगे पौ कह रहे हैं पौ बात बात कर रहे हैं प्रार्थना कर रहे हैं कृपा करके आप लोग दया करके भक्ति धारा का साथ अभोक्ति धारा भक्ति धारा का साथ अभोक्ति धारा का व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस ट्राई टू रियलाइज इट जिस दिन आपका समझ में आएगा इफ यू आर ब्लॉक आपका दिमाग अगर ऐसा चलता नहीं गुरु वैष्णव का सेवा नहीं किया मेरा कहने का मतलब है जिन्होंने गुरु वैष्णव का सेवा किया नहीं उसका भजन जिंदगी का जो इंटेलेक्ट है ये होगा नहीं जितना भी बुद्धि रहे पोपा जी कह रहे हैं आप लोग ध्यान से भक्ति विनोद धारा का साथ अभक्ति विनोद अभक्ति धारा का बेसिक डिफरेंस समझने का कोशिश करो आप अगर समझ में आए तो आप देखोगे आपको गौरी भजन का नाम लेकर कोई चीटर ऑर्गेनाइजेशन में अपना मान अपना नाम को एनरोल एनरोल कराने का कोई जरूरत नहीं पड़ेगी इन द नेम ऑफ भजन जो उल्टा हो रहा है क्या हो रहा है पोपात कह रहे हैं बद्ध जीवों को बचाना बहुत मुश्किल है फिर भी हम लोग को प्रयास प्रचेष्टा करना पड़ेगा बहुत अफसोस का साथ प्रोपा जी ने कहे जिस कारण इस जगत में हम आए हुए हैं पोपा अंतिम समय में अफसोस करके कहे जिस कारण मैं इस जगत में आया हूं मतलब भजन का जो सीक्रेट चीज है गुप्त गुप्त चीज़ रूपानुगो भजन अब तो बाजार में नकली नकली रूपानुगो भजन चल रहा है तो कहे जो चीज देने के लिए मैं आया था वो दे नहीं पाया मैं देने के लिए तैयार था बट आई कुड नॉट फाइंड एनी अप्रोप्रिएट कैंडिडेट मैं देने के लिए तैयार बैठा था लेकिन ऐसा कोई बंदा नहीं मिला जो ये सिक्रेट चीज जो है भजन का वो लेने के लिए तैयार हो हमारा गुरुवर्ग नित्य पार्षद है इन लोगों का बारे में पोपत नहीं बताए हमारा गुरुवर्ग नित्य पार्षद है इनके बारे में नहीं बताए पोपत बोले पोपा बताए हिमालय का चट्टी हिमालय का चट्टी से लेकर मैं कन्ना कुमारी का पोपा जी कह रहे हैं हिमालय से लेकर मैं कुन्ना कुमारी का तब छानबीन किया चप्पा छप्पा छप्पा छान मारा लेकिन एक बंदा ऐसा नहीं मिला जो एक गुप्त रहस्य भजन का समझे ग्रहण करे अपना जीवन जिंदगी में ऐसा नहीं मिला ऐसा नहीं मिला मैंने कोशिश किया बहुत अफसोस का साथ एक बहुत बार कह दी क्या करे शारदिंदु राय बोल के एक बड़ा बिग प्रोफेसर है लाहौर यूनिवर्सिटी का तब की जमाने में दैट टाइम इंडिया इंडिया वॉज नॉट डिवाइडेड उस समय शारदिंदु राय प्रपाद जी का सामने बहुत चर्चा की प्रश्न की प्रपा जी कहे प्रोपाद आप तो इतनी समय में पोपा जी को प्रोपा जी को प्रपात जी को बताएं प्रपात इतनी सी समय में विद इन दिस शॉर्ट पीरियड आपने पचास गौड़िया मठ स्थापन कर दिया विद इन इंडिया एंड आउटसाइड इंडिया तब लेके पचास मठ आप तो चौसठी मठ प्रपात जी अंतिम में चौसठ चौसठी सिक्सटी फोर मठ स्थापन किए जब चर्चा चल रहा था रॉय कह रहे हैं कि आपने तो पचास मठ स्थापन कर दिया इतने जल्दी पोभा जी ने बोले पचास मठ का क्या कह रहे हो आप आप क्या कह रहे हो पचास मठ का आई वॉन्टेड टू एस्टेब्लिश गोरिया मठ इन साइड द हार्ट ऑफ ऑल लिविंग एंटिटी स्पेशली ह्यूमन बींग तमाम ए जो जीव है सब कोई का हृदय में मैं गोड़िया मठ स्थापन करना चाहूं आप पचास मठ का बात उठा रहे हो अगर मेरा जिंदगी में पचास मठ का बदले में पचास आदमी मिलता मेरा जिंदगी में ध्यान दे बात को वो बात कह रहे हैं क्या आप कह रहे हैं पचास मठ का बात उठा रहे हो अगर पचास मठ का बदले में अगर मेरा जिंदगी में अगर पचास बंदा ऐसा मिलता जिसको मैं मोबाइल गोरियमट बना के दुनिया में छोड़ देता ट्राई टू रियलाइज एक पक्का गोरियमट का साधु जो है ये मोबाइल गोरियमट है जहाँ जाए गोरियमट अवतीर्ण हो जाए क्योंकि ये लोगों का जीवन जिंदगी वहा है क्योंकि ये जो गोरिया का एक एक जो ज्वेल है पोपत कह रहे हैं एलो लोग का जीवन जिंदगी भगवान का चरण कमलें समर्पित है पोपत अक्सर कहते थे अगर भगवत चरण कमल में हंड्रेड परसेंट स्वर्णागति नहीं है यूं समझो कि 80 परसेंट है और ठीक है चलो 90 परसेंट है और मे बी 95 परसेंट और हो सके कि 99 नाइन परसेंट भी हो सके पोपात कह रहे हैं जब तक भगवत चरण कमल में जब जब तक भगवत चरण कमल में शत प्रतिशत शरणागति सिद्ध नहीं होते तब तक ये अपराखित जगत का एप्सोल्यूट ट्रूथ बताने का हिम्मत नहीं होती किसी के अंदर में पोपात कह रहे हैं पोपात कह रहे हैं भगवत चरण कमल में जब तक शत प्रतिशत शरणागति सिद्ध ना हुए किसी का हिम्मत नहीं कि आप टागि जगत का ये एप्सुलूट ट्रूथ के बारे में चर्चा करे एप्सुलूट वे स्टैंडिंग ऑन एब्सुलूट प्लेटफॉर्म सिर्फ एप्सुलूट बातें कहे एब्सुलूट प्लेटफॉर्म में खड़ा नहीं भय ये होगा नहीं एप्सुलूट का बातें कहें एब्सुलूट का चर्चा करें एप्सुलूट वे एब्सुलूट तरीका से और एब्सुलट प्लेटफॉर्म में खड़ा होकर एब्सुलूट प्लेटफॉर्म में खड़ा होकर ऐसा गोरिया का एक एक ज्वेल है गोरिया का एक एक सन्यासी एक एक ब्रह्मचारी श्रीवास अंगन में महाप्रभु जी ने बताए श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने श्रीवास अंगन में जो संकीर्तन यज्ञाग्नि का प्रज्वलन किए ये संकीर्तन यज्ञाग्नि ये जो संकीर्तन यज्ञाग्नि महाप्रभु जी ने प्रजलन किए ये संकीर्तन यज्ञाग्नि में हमारा मठ का एक एक काबिल मेंबर सदस्य अपना जीवन जिंदगी को सेक्रीफाइस करने के लिए ये संकीर्तन जोगाग्नि में अपना जीवन जिंदगी को उत्सर्ग करने के लिए आहुति देने के लिए त्वैर बैठे अगर तैर ना बैठे वो मठ का सदस्य नहीं है वो मठ का मेंबर नहीं है मठ का ये नहीं है गोरियामट का साथ इसका कोई ताल्लुकात नहीं है वो बात कह रहे हैं हमारा एक एक गोरियामट का जो महापुरुष है इन्होंने तमाम जिंदगी सिमन महाप्रभु का संकीर्तन जग में समर्पित है ये लोग आहुति दे दिए है पूरा जिंदगी समर्पित आत्मा है पौपात कह रहे हैं तो देखो एक एक गोरिया मठ का एक एक सदस्य को प्रोपा जी ने भेजा एक एक जगह प्रचार करने के लिए खोद भी प्रभुपात स्वयं प्रभुपात कंटिन्यूअसली नॉन स्टॉप हरी कथा बोले हर बकत कथा बोलते रहे हर वकत पोपा जी का जो आचार्योत्व है पौपाध जी जो आचार्यों का काम किया है पोपा जी जो नित्य आचार्य हो पोपाध जी नि, नित्य जगत का आचार्य है ये कोई दो दिन का आचार्य तो नहीं है पोपाद का जीवन जिंदगी को ठीक से देखो कैसे देखोगे जीव एक एक महान पुरुषों का जीवन जिंदगी को विचार करने जाए तो भ्रमित हो जाएगा जगत का आदमी अगर ये सब बड़ा बड़ा महान पुरुषों का जीवन जिंदगी का बारे में कुछ चर्चा करने जाए समझने जाए तो ये ये लोग भ्रमित हो जाता है ये लोग समझ में नहीं आता अरे महाराज अभी काल वो बोला अभी इसका लिए ऐसा कर रहा है क्या गुरु वैष्णव कैन रिज गुरु वैष्णव एंड भगवान गुरु वैष्णव भगवान एलो का विशेष क्या है वट इज द स्पेशलिटी कई बार चर्चा कर चुके पहले गुरु वैष्णव कैन रिजर्व द राइट ऑफ नॉट बींग एक्सपोज टू योर सेंस ऑर्गन बी केयरफुल आप ये बुद्धि लगाकर विचार करने का कोशिश करोगे ते संभव नहीं है क्यों गुरु वैष्णव भगवान कैन रिजर्व द राइट ऑफ नॉट बींग एक्सपोज टू योर सेंस आप आपका जर बुद्धि विवेक ये सब लगाकर गुरु वैष्णव का क्रियाक्रम कैसा है समझ लोगे संभव नहीं है संभव नहीं है पोपाजी जी का आचार्योत्व द आचार्योशिप पोपाजी जी का जो आचार्योत्व है ये पौपाद जी का आचार्योत्व में राधा रानी का पूरा प्रभाव है ध्यान देना इस बात पर वेरी स्पेशल पॉइंट पोपाजी जी हर आदमी आचार्यों का काम करता है बहुत आदमी हम देख रहे हैं लेकिन पहुपाध का आचार्य सिर्फ जो है अनोखा है ये राधा रानी राधा रानी का जो आचार्यत्व है राधा रानी सबसे बड़ा आचार्य जो है टॉप मोस्ट और रस्ता का हम लोक सोचते नित्यानंद प्रभु आचार्य लेकिन पहुपात का जो आचार्योशिप है पहुपात का जो आचार्योशिप है टोटली सपोर्टेड बाय टोटली सपोर्टेड राधा राधारानी डिप्यूटेड एंड सपोर्टेड राधा रानी भेजे हैं राधा रानी के द्वारा प्रेरित हुए एक 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 प्रभुपात का जिंदगी का एक एक करके हम सिद्धांत विचार बताने चले एक महाभारत बन जाएगा आप हैरान हो जाओगे पागल हो जाओगे दो एक उदाहरण दे दे आपको समझ में आएगा ज्यादा बातें करें सिद्धांत तो बोले समझ में नहीं आ सकता पोपाद जी ने शिला बनोदेव गोस्वाई महाराज शिला भक्ति हृदय बनोदेव गोसाई महाराज महाराज को भक्तिदय तो बनोदेव आज को विदेश भेजने के लिए विदेश में यूरोपियन कंट्री अमेरिकन कंट्री में प्रचार करने के लिए गौरवानी प्रचार करने के लिए भेजने का तैयारी में है इस समय एक बंदा को पोपा जी ने भेजा जाओ बन महाराज जी के लिए एक जूता ले के आओ हम लोग बोलते हैं ना शूटेड बूटेड बूट लेके आओ तब की जमाने में बत्तीस रुपये बत्तीस रुपया थर्टी टू रुपीस तब की जमाने में बत्तीस रुपया है इतना कीमती है आजकल के जमाने में बत्तीस रुपये हिसाब करो तो पागल हो जाओगे और वन महाराज जी को बुलाया किसी को भेजा जाओ ये जूता दे के आओ और वन महाराज जी को बोलो अपना शूटेड बूटेड होके मेरा ट्राई फ्राई लगा के मेरा सामने आए पोपाजी जी ने आदेश भेजा बोन महाराज शर्मिंदा हो गया बोन महाराज शर्मिंदा हो गया कैसे करें अरे हम सन्यासी हैं पोपा जी क्या कर रहे हैं पोपा जी ने आदेश भेजा आप जूता पहन के मेरा पास आओ शूटेड बूटेड होके बड़ा शर्मिंदा होकर सर झुकाकर कर पोपात का सामने आए आने का बाद वो बात कह रहे हैं नाउ कम टू द पॉइंट आपका वैराग्यों का सिद्ध हुआ कहने का क्या मतलब है मारा बन महाराज जी को कह रहे हैं कम ऑन टुडे योर बैराग्यो इज सक्सेसफुल क्यों आप वैराग्यों को भी आप वैराग्यों को भी फेंक दिया भगवान का सेवा के लिए ध्यान दो समझ में नहीं आएगा पोपा जी ने बोला आप जो वैराग्य ग्रहण किया वैराग्यों को भी वैराग्यों को भी आप फेंक दिया भगवान का सेवा के लिए दैट इज कॉल युक्त वैराग्य अनाशक्त स्विषयानो यथार्थो मुपयुंज ये श्लोक इस श्लोक का चर्चा करे जुक्तो वैराग्य का इतना बड़ा इवोल्यूशन ये कभी जिंदगी में कोई देखा नहीं प्रोपा जी ने बोला आई कैन कम डाउन टू एनी लेवल फॉर द एक्चुअल प्रीचिंग ऑफ चैतन्यवानी चाहे जगतवासी मेरा निंदा चुकली करे अरे ये क्या किया दो श्लोक चर्चा करना कभी होगा अगर ठाकुर जी चलाए सब कुछ तो होगा प्रापंचिकतया, बुद्धिया श्लोक और अनाशक्त सुषय ये दो श्लोक का बड़ा सुंदर चर्चा होनी चाहिए जिसमें युक्त वैराग्य का पूरा दर्शन दार्शनिक विचार खुलेगा बहुत सुंदर पोपा जी ये प्रमाण साबित कर दिया कि जगतवासी अगर निंदा करे चुकली करे इसमें क्या आता जाता है प्रभात जी ने कई बार ये बात कहे कह चुके प्रभात जी ने बहुत बार कह दिया कृष्ण प्रीति ध्यान दे बात पर प्रीति किश्नों के लिए जो प्यार है अटैचमेंट है प्यार है लवफफुल अटैचमेंट पापा जी कह रहे हैं कृष्ण प्रीति का एक अनोखा स्वभाव है ये कृष्ण प्रीति का एक अनोखा स्वभाव है क्या स्वभाव है क्या स्वभाव है ये दुनिया का जितना सारे मोरालिटी है दुनिया का साथ में जितना सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी है मोरालिटी है पंक्चुअलिटी है ऑनेस्टी है दुनिया का समाज में आपको सल्यूट सैल्यूट मिलेगा ऐसे आप अगर दिखाओ आपका पंक्चुअलिटी आपका ऑनेस्टी आपका सिंसियरिटी ये सब जगत में दिखाओ तो आपको वाह ऐसा मिलेगा वाह वाह मिलेगा बहुपत कह रहे हैं महाराज कृष्ण प्रति का ऐसा एक अनोखा स्वभाव है ये जर जगत का मोरल स्टैंडर्ड मोरल स्टैंडर्ड एनी काइंड ऑफ प्रिंसिपल आपका जिंदगी में जो नैतिक चरित्र है आपका मेटेरियल आदर्श है आइडियलिज्म है आपका ऑनेस्टी है ऑल ये सारे चीज को अब पानी के टट्टी पे सांप का मापी के फेंक के अगर दौड़ के छलांग लगा के कृष्ण सेवा में आप कूद पड़ो कृष्ण सेवा के अंदर छलांग लगाओ जीवन जिंदगी को दे दो चाहे समाज का अनमिनदा करे ये क्या किया ये तो उचित नहीं था ये बड़ा अन्याय है करने दो समाज का आदमी निंदा चुकली करे करने दो लेकिन जो कृष्ण प्रीति का एक अनोखा स्वभाव है जगत का मोरल स्टैंडर्ड प्रिंसिपल है नीति एनी काइंड ऑफ प्रिंसिपल आइडियलिज्म सब कुछ को टट्टी पेशाब का मापिक फेंक कर अगर कृष्ण सेवा में भगवत सेवा में आज अपना जीवन को समर्पित करो निवेदन करो इसमें समाज का आदमी निंदा करे पोपत कहे इसमें मेरा कोई हर्जा नहीं है मैं आनंद से मैं आनंद से समाज का निंदा चुकली गाली निंदा चुकली गाली आक्रमण मैं सहन करते रहूं, कोई हर्जा नहीं है मैं सहन करते रहूं, वन महाराज जी को बोले आज आपका वैराग्य का सिद्ध भय आपका वैराग्य आज सिद्ध हुआ क्यों आप वैराग्य को भी आप वैराग्य को भी फेंक दिया भगवत सेवा का ये अनमोल उपदेश है ये आपका समझ में आना बहुत मुश्किल है और हो भी सकता गुरु की पास से शिवन महाप्रभु जी ने एक उदाहरण दिए चैतन्य चर्धामित्व में बड़ा सुंदर उपदेश दिया महाप्रभु जी ने सनातन गुसाई को पोथिव्रता रमणी पोतिव्रता रमणी एक चष्टी लेडी बड़ा प्योर लेडी महाप्रभु जी ने उदाहरण दिए चौतन्य में तो मैं है महाजनों का अनुगत्य में पाठ करो जीवन जिंदगी बदल जाएगा मैं कसम से बोल रहा हूँ ट्राई टू रियल ट्राई टू रियलाइज टाई टू रियलाइज इट टाई टू रिलाय ऑन ए रियल सोर्स पोपा जी ने कहे पति व्रत रमनी पति लागी कोयला बेशा सेवन आई बात समझ में कभी अगर कभी अगर ठाकुर जी कृपा करे समय हो तो हम व्याख्या करने का कोशिश करें महाजनों का अनुगत्व में महापूजी ने ये सिखाए महापू जी ने सिखाए ये गुप्त रहस्य है प्रतिब्रता रमणी पति लागी कोयला बेशा सेवन एक प्रतिब्रता रमणी अपना स्वामी का जो ख्वाहिश है पूर्ति करने के लिए एक बेशा का सेवन की प्रतिब्रता रमणी महाप्रभ जी ने बड़ा सुंदर उदाहरण दी गुप्त रहस्य गौड़ी भजन का रागानुगा रूपानुग भजन का विशेष करके रूपानुग भजन का गुप्त रहस्य कृष्णों को मधुर रस में जो प्यार करने उसमें भी पारकिया मधुर रस में महापू जी ने दिग्दर्शन किए हम मूरख है समझ नहीं पाते पोपा जी दिखा रहे हैं भक्ति ठाकुर दिखा रहे हैं गुरुबर को दिखा रहे हैं हमारा निष्किंचन महाराज चंडीगढ़ का कहते थे भोइसों का सामने भेरी पीटना हमको मजा आता था महाराज जी कहते थे जब महाराज भैंसों का सामने भेड़ी पीटना बिगल बचाओ भू भू करके आ भैंस हाँ ऐसा करके अपना धुन में रहता हूँ अपना धुन में रहता हूँ चाहे चितना भी हरी कथा बोलो आप ढोल पीटो कुछ भी करो मैं अपना गुरु जी कहते थे कुत्ता का जो लैज है ना पुछआ ये घी देके, ऑयल देके, इसको सीधा करो ऐसे फिर ऐसा गुरु जी कहते थे हंसते थे भले कुत्ता का जैसे पुछुआ है ये ऐसा टेढ़ा है इसको भले ही आप घी लगा के ऑयल लगा के उसको खींचो सीधा करने का कोशिश कर फिर ऐसा ही हो जाए अब क्या है महाप्रभु एक अनोखा उदाहरण दिए महाप्रभु सुंदर उदाहरण दिए एक सुंदर महाप्रभु जी ने कहे ये प्रतिव्रता रमणी जैसे एक बेशा का सेवन की किस लिए शामी इसी लिए इसीलिए पोपा जी ने कहा आई कैन कम डाउन टू एनी लेवल फॉर द एक्चुअल पिचिंग ऑफ चैतन्य वाणी चाहे समाज निंदा करे कुछ भी करे महाप्रभु जी ने और एक उदाहरण दिए एक गृहस्थी में कभी कभी ऐसा होता भी है ऐसा नहीं कि महाप्रभु गप बोल दिए गृहस्थी में ऐसा होता है एक रमणी का स्वामी है लेकिन फिर भी किस बंदा का साथ लटपट है आई बात समझ में है तो अपना स्वामी हस्बैंड तो है ही है लेकिन किसी बंदा का साथ उसका लटपट है मामला कुछ गड़बड़ है वो क्या करता है भले सामी का सामने दिखाने के लिए बड़ा संसार में बड़ा एटेंशन है संसार में बड़ा एटेंशन है वो दिखाते हैं पर नारी बैगरा ओपी गृह कर्मसु तदैव आस्वादय अंतर नवसंग रसायनम महाप्रभु जी ने उदाहरण दिए ये कोई गप नहीं है ऐसा होता भी है एक रमणी का अपना स्वामी है फिर भी किसी बंदा का साथ लटपट है मामला कुछ गड़बड़ है वो स्वामी का सामने संसार के लिए बड़ा क्या टेंशन है संसार के लिए ये कुछ नहीं है दिखावा है उसका मन हर वक़्त इनके जो मन है अशतीमती अशतीमती भागवत में क्षतिमती और अशतीमती दो बात कही कभी चर्चा हो पाएगा एक साथ हो नहीं पाएगा ये अशती ए मती जो है हर वक्त अपना जो हीरो अपना जो हीरो है अपना जो हीरो है जिसका साथ लटपट है मामला कुछ गड़बड़ है उसी का साथ रमन कर रहे मन में कब समय होगी कब समय होगी कब जाके अपना हीरो का साथ मिलन करे प्यार करे बड़ा गंभीर विषय है ये जगत का जो प्यार मोहब्बत का जो ये जो विचार है ये हम एक एक करके एक, -एक करके पोल पट्टी अगर खोले एक करके एक एक करके ये दुनियादारी का जो लव अफेयर है इसका एक एक करके पोल पट्टी हम खोले तो आप हैरान हो जाओगे भरती हरि, भरती राजा कुलेशेखर, शेखर हरि कौन है राजा विक्रमादित्य का भाई है एक एक करके कहानियां हम बताए शास्त्रों से पागल हो जाओगे पागल हो जाओगे हैरान हो जाओगे महाराज क्या चीज है इसीलिए पोपा जी ने कहे ये जगत का जो लव अफेयर है अकॉर्डिंग टू मेटेरियल स्टैंडर्ड इट कैन बी वेरी एक्सीलेंट जगत का जो स्टैंडर्ड है ये जगत का हिसाब से स्टैंडर्ड से हो सके सब बड़ा ऊंचा है चाहे लाला मजनू का प्यार हो चाहे लैला मजनू का प्यार हो चाहे जिम डेला का प्यार हो चाहे लैला मजनू का प्यार हो चाहे जिम डेला का प्यार हो चाहे नल दैमंती का प्यार हो कुछ भी हो जाए पापा जी ने बताए ऑल कंटेमिनेटेड पापा जी ने बताए सारे कंटेमिनेटेड सारे कंटेमिनेटेड सारे कंटेमिनेटेड प्योरिटी नहीं है महाराज ये तो बहुत अच्छा प्यार है एक दूसरे का कोई स्वार्थ कोई तो स्वार्थ नहीं है कोई स्वार्थ नहीं है मेटेरियल झूठा बात है झूठा बात है ये जग जगत का कोई भी लाभ अफेयर हो ये गंदगी रहेगा थोड़ा बहुत रहेगा ही। रहेगा ही गंदगी जैसे एंगूर एक हिंगूर एक पात्र में रखो या तो कैम्फोर कर्पूर है ना कर्पूर बाती एक पात्रों में रखो एक और इसको खाली कर दो एक साल बाद अगर देखोगे वो पात्रों से हिंगूर का उदगार आ रहा है स्मेल आ रहा है उत्कट एक कंपूर का भी ऐसा ही है यह हैरान की बात है जर जगत में कोई लव फेयर परफेक्ट हो नहीं सकता जो बात कहने के लिए जुक्त इरागों का हिसाब हिसाब किताब थोड़ा बहुत टू इंडिकेट हम तो कुछ नहीं कह पाए हम तो कुछ नहीं कह पाए ये तो महाभारत है एक एक करके मैं छलांग लगा क्या करे दो एक उदाहरण दे दे दो एक उदाहरण दे दे मैंने अभी कहा बन महाराज जी का लिए बत्तीस रुपया का उस जमाने में बत्तीस रुपया मतलब हो सके कि चार पांच हजार रुपया ए लाए चप्पल जूता और शूटेड बूटेड पोपा जी ने बोला कम टू द पॉइंट इज इज कॉल्ड जुक्त बहिराग्यो। भगवान के लिए सेवा के लिए करना है और एक बंदा 85 पैसा ध्यान दे 85 पैसा का चप्पल पहना पापा जी ने कहे तुम भोगी हो इतना कीमती चप्पल पहना तुम भोगी हो क्यों इतना कम कीमती चप्पल पहना अरे महाराज अब अभी कहा बत्तीस रुपया का चूता दिया इसका लिए कह रहे हो ये आचार्य जो है प्रपात का आचार्यो सिर्फ ये आपका समझ का बाहर है समझ नहीं पाओगे मैं और दो एक मिसाल दे दे समय खत्म होने वाला क्या करे मैं दुखी हूं बोलने के लिए बैठा तो बोल नहीं पाया इससे बढ़कर दुखी कौन है मेरे से बढ़कर दो एक मिसाल दे दे एक दफे पुरुषोत्तम मठ पुरी में एक बंदा एक खुर्दा उड़ीसा खुर्दा डिस्ट्रिक्ट में रहने वाले इन्होंने पोपाचरण में आश्रय ली इसका नाम है जोदुमोनी बाबू क्या नाम है जोधुमोनी जोदुमोनी बाबू रिटायर्ड मैन है क्रियस्थी थे अब चटक पर्वत में आकर गार्डनिंग किया फ्लावर सब्जी इतना सुंदर बगीचे बना दिया हैरान की बात है इतना सुंदर बनाया तित मठ की इंचार्ज से लेकर तमाम आदमी उसका प्रशंसा कर रहे हैं आ हा हा जोदुमनी जो बाबू जोदुमनि बाबू जी ने दिखा दिया कितना सुंदर सेवा और वहाँ भोपात कटक कटक मठ में उसका प्रशंसा सुनने के बाद तुरंत एक मैसेज भेजा जे जोदुमोनी बाबू को आप तुरंत कटक में भेज दो कटक में आप ही भेज दो अरे इंचार्ज बोला प्रोपात कैसे भेजे ये तो इतना सुंदर सेवा कर रहा है इतना सुंदर सेवा अब देखो ये तो जाएगा तो अंधेरा में गिर जाएंगे हम लोग इतना बगीचा बनाया फूलों का सब्जी का फल का अब प्रोपात मैंने इमीडिएटली यू कैन सेंड जदुमनी बाबू टू कटक इट इज़ माई इंस्ट्रक्शन सब हैरान रह गए चौकित रह गए क्या कारण है बाद में पोपाजी ने व्याख्या किया जदुमनी बाबू, जदुमनी बबू जदुमुनि बाबू जो आया है जदुमुनि बबू जो आया है वो गार्डनिंग करे इसमें कोई हर्जा नहीं है लेकिन गार्डनिंग करते करते इसका जो मन जो है ये गार्डनिंग ये गार्डेनिंग में उलझ गया कृष्ण से कृष्ण चरण से गुरु वैष्णव चरण से बिखर गया तो आई कैन नॉट टॉलरेट हम जीव हम जीव हिंसा नहीं कर सकता यू कैन इमीडिएटली सेंड भेज दो हम जोदुमणि बाबू का हम जोदुमणि बाबू का पतन नहीं देख सकता हैरान की बात है जोदुमणि बाबू को लगा दिया कौटोक में सेवा में वैरास चैतन्य मठ है ये जो चैतन्य मठ है हमारा चैतन्य मठ में एक सेवक है बड़ा सुंदर सेवक ये गार्डनिंग कर रहा है सब कुछ कर रहा है कितना सुंदर है कितना सुंदर सेवा कर रहा है पोपा जी ने उसका लिए कुछ नहीं बोला किसी बंदा ने एडुकेटेड लॉयर ने आया अरे आपका सामने कुछ भगवत कथा का विचार सुने पोपा बोले देखो आप एक काम करो ये बगीचे में जाओ बगीचे में जाके आप देखोगे एक बड़ा पंडित है उसका साथ सुनो वो अपना वाइफ को लेकर गया जाके गार्डन में देखा एक बंदा है वो गामछा पहन के और पैरों में पानी दे रहा है आपका नाम है ये ये पोपा जी ने बताया आपका नाम है और हाँ हमारा नाम आप थोड़ा हरी का था बोलो हमको पापा जी ने भेजा और पहले तो आ गया पहले तो ऐसा नहीं बोला पहले क्या है वो ये गार्डनर ये जो वैष्णव है इसको देख के आ गया आके पोपात के बोले तो आपने भेजा बगीचा में कोई वैष्णव तो नहीं है वो तो देखा एक इलिटरेट मैन है वो पानी दे रहा है अपन तो कोई ऐसा बंदा तो नहीं मिला जो हरिकथा बोल सके जब भागवत कथा का, का चर्चा करे पोपा पोपा जी ने बोला हम उसी का बारे में बताया आप जाओ वो बड़ा पंडित है उसी का पास हरिकथा सुनो देखो क्या बात है पोपा जी ने इसका प्रशंसा किया और उसको कटक मठ से लेकर पूरा भेज दिया पौपा का आचार्य जो सिर्फ हम बोलते चले तो हैरान हो जाओगे मठ के अंदर में बड़े बड़े शो बटल जानते हो शो बटल आ जानते हो शो बटल, जैसे आयुर्वेदिक शॉप में एक एक कर ले बैकेंड बतल ले, एक ले, ले, लेवल है बड़ा बड़ा बोटल एक शो, इसको शो बोटल जैसे गारमेंट शॉप में होता है ना एक लेडीज पुतली इसको कपड़ा चुपड़ा पहन के ऐसा शो बोतल पोपा जी ने कह रहे पोपा जी एक दफे एक दफे पौपा की पोपा जी का विचार सुनो आप एक दफे एक बड़ा शो बोतल गोड़िया का शो बोतल वो बड़ा प्रचार करता है अपने को मानता है बड़ा प्रचारक पंडित है इन्होंने एक भक्तों को जो चैतन्य मठ में अपना प्राण दे दिया पोपाथ के चरण में ये एडुकेटेड नहीं है वो एडुकेटेड नहीं है लेकिन पोपाथ से पोपाथ उसको बहुत प्यार करते थे क्यों बोले ये जो है भक्त है प्रोपात का चरण में अपना जीवन जिंदगी सब दे दिए एक दफे ये जो सो बोटल है कोई महाराज कोई महाराज है ये इसका निंदा कर रहा है अरे बेकार अब क्या कर रहे हो समय खराब कर रहे हो प्रचार के लिए जाओ बाहर कुछ नहीं करते हो सेवा मठ में बैठे रहते हो खाते हो ऐसा करके बोला पोपात का कानों में गया पोपात का कानों में गया कि ये भक्तों का ये भक्तों का चर्चा कर रहे है। निंदा कर रहे है। किसी सन्यासी ने पोपा जी ने लायन का मापिक चिल्लाया पोपा जी ने लायन कब चिल्लाया और बोले किसने आपको अधिकार दिया किसने आपको अधिकार दिया इसका बारे में बोलने के लिए किसने अधिकार दिया किसने अधिकार दिया आपको इसका बारे में बोलने के लिए है वाई यू आर गोइंग टू टेक ट्रावल टू गेट कंट्रोल ओवर गुरु वैष्णव वाई यू आर गोइंग टू टेक ट्रावल टू गेट कंट्रोल ओवर गुरु वैष्णव इट इज माई ड्यूटी आई एम एक्टिंग आचार्य नॉट योर ड्यूटी माइंड योर ओन बिजनेस पोपाजी जी ने ऐसा हैरान की विचार बताया क्यों ये जो भक्त है ये बड़ा वैष्णव है अपने को वैष्णव नहीं मानते लेकिन पोपा जानते ये बड़ा वैष्णव है और जो सो है जी उसको शासन किया इसका अधिकार नहीं है इसको कुछ बोलने का इसका अधिकारी नहीं है इसको कुछ बोलने का क्या अधिकार दे एक मिसाल और दे दे भक्ति वैभव सागर महाराज बोल के भक्ति वैभव सागर महाराज बोल के एक पवपात का शिष्य थे सन्यासी पौपात जी उसको भेजते थे प्रचार में लेकिन उसका जो स्पीच है वो जब हरिकथा बोलते हैं उसका एक्सप्रेशन ऐसा है कि बाहर का आदमी समझते नहीं मतलब प्रचार में जाए तो प्रचार में बैठ के हरिकथा बोले कोई सुनना नहीं चाहता सब उठ के चले जाए एक दफे पोचार में गया है मिदनापुर में किसी जगह और कीर्तन का बाद कथा शुरू हुआ तो तमाम आदमी उठ के चले गए और सेवक उसका जो सेवक कह रहे हैं महाराज कोई नहीं है कथा बंद करने से अच्छा है हम लोग को जाना है ना महाराज जी बोला महाराज जी बोला कहाँ खाली है हम तो देख रहे हैं तमाम जीवात्मा सब है ये तो हरिकथा सुन रहा है ओवर क्राउडेड आप कह रहे हो खाली हो गया अरे ये लोग गया तो है सूक्ष्म सूक्ष्म रूप में बहुत सारे जीवात्मा है पेड़ पौधा है हरिकथा सुन रहा है खैर छोड़ो हरिकथा बंद की आदमी महाराज बोले तो अपना लिए मैं हरिकथा बोल रहा हूं इसके बाद कोई प्रणामी भी नहीं मिले महाराज विदाउट स्टेशन में गया विदाउट टिकट महाराज ट्रेन में सवार होके हावड़ा में आए महाराज जी को टीटी ने पकड़ा वेर इज योर टिकट महाराज बोल रहे हमारे पास पैसा नहीं है कर नहीं पाए तो इसको डिटेन कर दिया पोपात का पास मैसेज मैसेज गया पोपात का पास मैसेज गया ठाकुर जी का कृपा से उसको रिहा कर दिया छोड़ दिया गया और वो बाग बाजार गौरी मिशन में प्रोपात उपस्थित थे वो महाराज अपना ब्रह्मचारियों के साथ जब मठ में आने मठ में आने वाला था मतलब आ रहा है महाराज पापा जी ने एक मृदंगो करताल का साथ मृदंगो करताल का साथ पोपा अपना भक्तों को भेज दिया जाओ महाराज जी को सम्मान करके लाओ महाराज जी को माला चढ़ा के सम्मान करके लाओ इतना बड़ा साधु नहीं है जब गौड़िया मठ के एंट्रेंस में घुसा पोपा जी ने अपना भजन कुटी से आए और कहना शुरू कर दी ये आपका मापिक निष्किंचन साधु बिरल है आपका मापिक निष्किंचन साधु महात्मा रियलाइज सोल जगत में बिरल है हैरान की बात है आप तिथुशी महाराज अगर फॉरेन में जाए आप गुरु भाई लोग बोलते हैं महाराज सब फॉरेन में जाए रुपया लाए आप नहीं लाते हो महाराज बोले हम रुपया लेने के लिए तो बाहर नहीं जा रहे ये लोगों का विचार ऐसा है पोपात जी का तो क्या गंभीर है ये ये इतने से समय में चर्चा करने का विषय नहीं है राधा रानी का माफिक राधा रानी का माफिक कैसे वंचोनामय लीला पोपात का कभी हम चर्चा करेंगे वंचनामय लीला कैसे आदमियों को सम्मान देके पैसा देके वंचित करते थे और किसी को किपा करते थे आश्चर्य बात है पौपात का हरिका था पोपात का प्रीचिंग पौपात का राइटिंग पोपात का जो आचार्य जो सिर्फ है ये कहने जाओ तो ये तो असंभव है कैसे कहा है राधा रानी का जो विचार है प्रोपात का वही विचार है तमाम आचार्य जो जगत में प्रकट है यहाँ तक ये रामानुचार्य जो माता जो सारे लेकिन प्रपात का आचार्य जो से उसका स्पेशलिटी है ये राधा रानी का सहेली पापा जी ने अपना विचार में लिखा एक लेटर में एक चिट्ठी में प्रपा जी ने लिखा पापा जी ने एक चिट्ठी में इंडिकेशन दिया प्रपाद का नाम क्या है वृंदावन में प्रपात का क्या नाम है क्या सेवा है प्रपाद ने एक लेटर में एक भक्तों को अपना शिष्य को लिखा जी एक बोका एक बोका गोपोला में गोपो गोपी एक फुलिश गोपी वृंदावन में राधा रानी का चरण से थोड़ा इधर उधर भटकने का कोशिश करता है और राधा रानी उसको बोला इधर, इधर, इधर आ इधर इधर इधर, इधर कहां गया वो कहाँ गया ऐसा करके राधा रानी हैरान हो जाते थे जाती थी ये कहाँ गया लेकिन ये गोप लालना मतलब ये गोपी हर अपना इधर उधर चंचल है इधर उधर जाने का कोशिश कर राधा रानी उसको बुलाते हैं राधा रानी इस गोपी को अपना नयन का मनी जैसा बना के रखी थी पापा जी ने इंडिकेशन दिया पपाजी जी का नित्य जगत का गौर लीला में प्रपात का नाम भक्ति सिद्धांत सरस्वती को संहिता प्रपात और वृंदावन लीला में श्री नयन मणि मंजरी नयन मणि मंजरी प्रपा इंडिकेशन दिया आज समय का अभाव से ज़्यादा समय नहीं लेते हुए इतना कहना चाहूँ जे प्रपात का वानी स्वरूप का अनुसरण करो प्रपात का वानी स्वरूप का जब बानी जब प्रपात का जब पहुपात का बानी जब पहुपात का बाणी अपराकृत शब्द ब्रह्म पहुपात का रूप लेकर इस जगत में आए कि हरि कीर्तन मूर्ति धरन धरण जनम जनकाधिक व पदम प्रणमा सदा प्रभुपाद पदम हरि कीर्तन हरि कथा जब प्रभुपाद का मूर्ति लेकर हमारा सामने आए हम हैरान हो गए समझ नहीं पाए इनके चरण में कितना अपराध किए क्षमा करना क्या करूँ उपाय नहीं है प्रपात जी कृपा करे समा करे गौरांग गौतिर ब्रजा श्रित श्री गौरव धामि सौ साई कवितर कुशंग विरति दुस्तो व्यथा निष्कृति करती सनातन श्रीरूपैकती जो जीवते हेजोस्ुती शिशिद्धांत सरस्वती विजयते गौरी गोष्ठीपती शिशिद्धांत सरस्वती विजयते गौरी यो पति योगोष्ठीपति वाचकल्पतरुष पासंद पतितानंग पावन वैष्ष्णवभ्यो नमो नम